अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन, आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल सच की आवाज़। साउंड से बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ अकबर, मैं सबील पान महल का ओनर हूँ। यहाँ पर जिंटलमेंट 202 प्लेट नंबर हक्की गैस गोडाउन के सामने मेरा डब्बा है। मैं पान डब्बे का सिविल केस कर रहा क्या मेरे कहने कितने की बार मैं कंप्लेन आ गया, पुलिस भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रही। अब भी बोलते तो मेरे कहने हाईकोर्ट का आर्डर है और एग्रीमेंट है, तो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर कोई पीएस में कोई अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ कहाँ पर आया आप? यहाँ आतापुर आउटपोस्ट पर आया, कंप्लेन दिया। उन लोगों को भी लेके आए थे, 100 पर कंप्लेन दिया था मैं, उन लोगों को भी लेके आए थे। यहाँ पर लेके आए बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं यहाँ कंप्लेन लिख रहा हूँ, फिर जाके मेरे डब्बे को तोड़ दिया। क्या नाम है उनका? उनका एक का नाम अब्दुल मोहम्मद अब्दुल सलीम, मोहम्मद अब्दुल हफीज़, मोहम्मद अब्दुल खयूम, और जो प्रॉपर्टी खरीदे थे उन लोग बोलते सो मोहम्मद परवेज खान, और उन कोई माजिद हुसैन साहब का मेयर है बोल के बोले हैदर, माजिद हुसैन साहब मेयर के ड्राइवर है बोल के मेरे को कॉल करे थे। तो मैं माजिद साहब को फ़ोन करा था, 2 से मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, डब्बे कहने आने नहीं दे रहे, मेरे पीछे 30-40 आदमियों को लगा के रखे। मैं पीएस को जा रहा हूँ। क्या नाम है उनका? कौन जो आपके पीछे? उन लोगों के नाम आने मालूम इतना परवेज गाइड कर रहा हूँ लोगों को। अब वो मैं माजी साहब को फ़ोन करा था, 2 से फिर रहा हूँ मैं, पीएस को आने नहीं दे रहे। माजी साहब बोले आप जाइए, कुछ भी नहीं होता, कोई भी आरा करा मेरा नाम लेके बात करा तो आप कहीं क्यों डर रहे हैं, आप पीएस को जाइए, मैं सर्कल साहब को और हुसैनी पाशा साहब को फ़ोन करता हूँ और हमारे अहमद बेग साहब को फ़ोन करता हूँ, आप डरो मत बोले। तो मैं आया यहाँ कंप्लेन देने आया, उनकी हिम्मत पर आया मैं, माजी साहब की आए बाद यहाँ पर मैं कंप्लेन ही दे रहा हूँ, फिर उन्हें जाके वैसी तोड़ के पूरा तोड़ दिए, डिसमेंटल कर दिए मेरा डब्बे को। अब मैं काम क्या कमाना क्या खाना। अब ये देखिए मेरे कहने, ये उन लोगों का अग्रीमेंट है जो कोर्ट में केस चल रहा, ये एग्रीमेंट है। इससे पहले भी मैं कई वक्त मैं कंप्लेंट दे दिया हूँ पीएस को, 2 लिख के दिया, ओरल भी कंप्लेंट 3 दिया। पीएस कोई सही से इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं ले रही, पुलिस इन लोगों के जिम्मे पर रहा प्रवेश मेरे को। और बोलते तो क्या हमारे प्रकाशगढ़ साहब से हमारे अच्छे कनेक्शन है, जो करता कर ले, दोनों पीएस हमारे जिम्मे, एसीपी जिम्मे हमारे बोल के बोल रहा नहीं पुलिस। वाकई में यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही पुलिस। यहाँ आए तो तुम लोग अंदर का अंदर सेटलमेंट चल दे रहे, उनके कोई बड़े आके ठहर के बात करके मेरे को पर्सनल एग्रीमेंट ये पैसे दिए। मेरे जो 20 रुपए अमाउंट था, 25.5 रुपए हैंड लोन के, 25 रुपए 5 मिला के 25 थे, उसमें मेरे को ये 12 रुपए दिला के ये मेरा कॉम्प्रोमाइज हो गया, बोल के इतना आके तोड़ दे रहे हैं। ये मेरा इंजेक्शन कोर्ट के, ये सिविल कोर्ट का मेरा आर्डर है, मेरा कोर्ट का स्टेस को है मेरे कहने, एक्स पार्टी हो गए, स्टेस को आर्डर है मेरे कहने। पुलिस कोर्ट का डायरेक्शन नहीं सुन रहे हैं तो ये रौडियाँ किसका डायरेक्शन सुनेंगे। ये है मेरा लास्ट टाइम पे मैं कंप्लेंट दिया था यहाँ सैबराबाद पुलिस को, ये पुलिस की एक्नॉलेजमेंट है, डीसी कमिश्नर एसीपी डीसीपी लास्ट टाइम पे दिया था। पीएस में कोई रिस्पांस नहीं आया, जब भी लोगों को बुला के बिठा के बात करके बोली ये लिख के दिए मेरे को, ये क्या लिखे लोग कुछ मालूम। ये ओरली मेरे को एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिए, मैं फ़ोटो खींच के एक्नॉलेजमेंट लिया मैं, ये एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिए, इतना लिख के दिया अहमदाबाद डब्बे करने नहीं आते बोल के बोले थे। अब क्या चाह रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं मेरे को? मेरा डब्बा होना है, अब डब्बा तो तोड़ दिए ना, अब क्या डब्बा ले रहे? ये हाईकोर्ट का भी आर्डर है, मैं हाईकोर्ट में भी आर्डर डाला। ये परवेज नाम बोल रहे, कौन है परवेज? जो प्रॉपर्टी खरीदे ना, ओनर जब्बार खान का भतीजा है, उन्हें पूरे रौडियों को ले लेके आ रहा, लोकल रौडियों को, उनको जब्बार खयूम अल्लाह ले लेके आ रहे मेरे को। और जहाँ मैं जा रहा हूँ अल्लाह, कल परसों रात में मैं जो डब्बा बंद करा, जब से 30-40 आदमियाँ मेरे पीछे रह रहे, मैं पीएस को आ रहा हूँ बोले तो यहाँ पीएस का ना मेरे से पहले 10-15 जने रह रहे। वहाँ राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन को गए तो वहाँ पर मेरे से पहले पुलिस वालों आ तो आए ठहरे हुए हैं बोल के बोल रहा। मैं 2 से पीएस को नहीं जा सका, इस बारे में मैं कॉल करा, 100 भी करा, नागा बाबू साहब से भी बात करा, अब यहाँ आया तो मेरे को कोई एक्शन नहीं है। अब पुलिस वाले बोल रहे अंदर का अंदर सेटलमेंट करके, और जब नहीं आया सेटलमेंट करते तो कोर्ट सेटलमेंट करने में पीएस में कई पूछ, ये पेपर पे ऑलरेडी लिख के दिए मेरे को, 12 रुपए दिए, 1 महीने में बकाया पेमेंट देते बोल के,
अभी मैं पेपर 16 तारीख के दिन देखो, 16 तारीख के दिन लिख के दिए, 16 तारीख के दिन लिख के दिए, अभी रिमेनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं दिए। फिर इसमें ऑलरेडी क्लियर लिखे हुआ है 12 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए देना है, 8 लाख रुपए देना है विथ एक्सपेंसेस के साथ में, जो बनाया जो करा उसके साथ देना है बोली। फिर यही पेपर पीएस में बता के कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो पुलिस वालों को पढ़ने नहीं आता, जाहिल है क्या पुलिस वाले? ये सब पुलिस वालों को ना ऑलरेडी बोल रहे हैं 5 लाख रुपए दे के मैं मैनेज कर लिया पीएस को, पूरा बोल के बोल रहे हैं पीएस में, और वाकई में पीएस में कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अब अगर आज मैं माजिदुद्दीन साहब से अगर कॉल पे नहीं बात करता तो मैं पीएस को भी नहीं आ सकता था। उन्होंने बोले पीएस को जाओ, कुछ ऐसा रहा था मेरे को फ़ोन करो बोले, इसलिए बोल के यहाँ पर आया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरे को क्या प्रकाश गौड़ साहब के एरिया का लिमिट है, ये एमएलए साहब मेरा रेस्पॉन्स देना, उन लोगों के मेरे जिम्मे है एमएलए वो है बोल के बोल रहे हैं। मैं को उन लोगों को प्रकाश गौड़ साहब से बात करें, प्रकाश गौड़ साहब कहने नहीं गए, उन्होंने बिजी थे, इससे पहले गया था एक बार जिक्र करे, फोन कर रहा था आपके लोग कर रहे बोल कर उनके लोग नहीं उन लोग रहे हम कर लेते प्रकाश गौड़ साहब तो मेरे को पी एस जिम्मे है बोल रहा ना 5 लाख दे के ओपन बोल रहे हैं ना पुलिस का काम कर दिया। प्रकाश गौड़ को तो फोन करना था, प्रकाश गौड़ साहब का फोन लगाई नहीं ना उठाए नहीं उन्होंने। अब वो माजिदुद्दीन साहब मेरा फोन उठाए, उन्होंने बोले कुछ भी नहीं होता, मैं भेज रहा हूँ अहमद बेग साहब को भेज रहा हूँ, और बोलते थे अपने हुसैनी पाशा साहब को भेज रहा हूँ मैं, आप जाइए अगर आपको कुछ भी धक्का भी लगा तो मैं देख लेता हूँ। बोले तो आया हम अब कम्प्लेंट किसके नाम पे दिया आप लोगों? अब मैं अब्दुल मोहम्मद अब्दुल सलीम मोहम्मद अब्दुल हफीज मोहम्मद अब्दुल खयूम और बोलते तो परवेज खान और हैदर के नाम पे, हैदर मीन में बीच में आने वाला मेन हैदर है, उन्हें फ़ोन करके कल से मेरे को टाचर कर रहा, चाबियाँ लेके आके दियो, चाबियाँ लेके आके दियो, नहीं तो मैं वो कर देता हूँ, मैं वहाँ बिठा लेता हूँ यहाँ कर लेता हूँ। तो साहब को फोन करा तो बोले कोई भी रन दो ने तो पे क्या तुम जाओ कुछ भी हुआ तो मैं देखता हूँ बोले। यहाँ पुलिस वाले क्या बोल रहे आप? पुलिस का कोई रेस्पॉन्स नहीं, कंप्लेंट लेने लिए ना कंप्लेंट भी जब से 2 घंटे से मेरे को यहाँ कंप्लेंट ले रहे हैं, वहाँ पर बोलते थे डब्बा टूट रहा मेरा। डब्बा कहाँ है आपका? मेरा डब्बा डी मार्ट बैक साइड है हजपी गैस गोडाउन के सामने, यत्तापुर पी एस है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ही नहीं, साफ नहीं है, साफ है तो आओ रहे दो घंटे से यही छू मैं, पूरा डब्बा टूट गया अब मेरा। अब महमूद अली साहब नंबर 1 पुलिस का बोलते हैं ना, कंप्लेंट करने है तो कंप्लेंट नहीं हो रही बोला था। अरे 6 महीने से मेरी कंप्लेंट रिटर्न में 2 बार कंप्लेंट दिया, ओरली 4 बार दिया, हाल ही उन लोगों को वार्निंग दे रहे हैं बोलना, फिर वापस आके बोल रहे हैं मैं पैसे दे के छूट गया, क्या कर लेता कर ले वो रन। तो महमूद अली साहब को कुछ बोलना था यहाँ से? महमूद अली साहब को क्या बोलो, दोनों वहाँ बैठे हुए रहते, बोलो वो क्या एक्शन। मैं अगर महमूद अली साहब से बोलना चाह रहा हूँ तो अगर पुलिस अगर एक्शन साइन लेती तो आज मेरे साथ ये हादसा नहीं होता, आपको जान का धोखा है। हाँ मार देते ओपनली बोल रहे मेरे को। ये कौन है पूरे बोलो साहब के? नहीं परवेज खान है और बोलते थे मोहम्मद अब्दुल कय्यूम है और उनका क्या बोलते थे हफीज है और हैदर है। अगर आप यहाँ से अगर कुछ भी करा तो मार देता हूँ, अगर मैं मेरे को कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार पुलिस है, क्यों बताओ सही से प्रॉपर पुलिस वाले मेरा आया सही से मेरी कंप्लेंट ले रहे हैं ना, एक्शन ले रहे मेरे से बस ठीक।